अरे ये अंडा कौन फेंक रहा है? पर हुई लूटपाट की वारदात कोई नई बात नहीं थी। ऐसी खबरें हमें अक्सर अखबारों की सुर्खियों में पढ़ने को मिल जाती हैं। और अगर हमारा कोई अपना इस वारदात में शिकार ना हुआ हो तो हम भी इसे बाकी खबरों की तरह भुला देते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसी वारदात किसी के साथ भी हो सकती है, जैसा कि इस शख्स के साथ हुआ। जरा सोचिए, अगर कोई आपकी चलती कार की विंडशील्ड पर ठीक ऐसे ही अंडा फेंक दे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हो? जाहिर है आप पानी और वाइपर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे आपकी गाड़ी का विंडशील्ड इतना धुंधला हो जाएगा कि आपको आगे कुछ दिखाई ही नहीं देगा और आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। और सफर के दौरान पेश आई ये परेशानी शातिर लुटेरों के लिए एक बड़ा मौका बन जाती है। मुंबई गोवा हाईवे पर भी लुटेरों का एक ऐसा ही गैंग सक्रिय था जो मुसाफिरों को हमेशा नए और अनोखे तरीके से लूटता था। अब सवाल ये था कि ये लुटेरे कौन सा तरीका अपनाने वाले थे और किस रूप में पेश आने वाले थे। हाँ डीके, बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो मोहित? गोवा जा रहा हूँ, एक अर्जेंट काम है। गोवा? मैं भी चलूंगी। मैं वहाँ काम से जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें काम करने से थोड़ी ना रोकूंगी, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा फिर हम। समझा करो शगुन, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा पाऊंगा, देर हो रही है, चलो। पर नाश्ता तो करते जाओ। टाइम नहीं है। अरे रे, पहुँच के फोन करना। हाँ ठीक है, मैं गोवा बस स्टैंड पे आ गया हूँ। बताओ कहाँ आना है? सामान लाए हो? बैग मेरे पास है। गुड, फिलहाल कोई गेस्ट हाउस देख के रुक जाओ, मैं एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर देता हूँ, रात में आता हूँ, वहीं मिलते हैं। ठीक है ठीक है, ओके। हाँ सविता। हाँ हीना कैसी है? सो रही है? नहीं 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 नहीं, उठाओ नहीं, सोने दो सोने दो। उठे तो उसे बुखार की दवा खिला देना और कहना मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? रामा। हाँ। बस एक घंटे लेट है। एक घंटा लेट है? तुम्हें पता है हीना का बुखार उतर ही नहीं रहा है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, उन्होंने कहा है कि शाम तक ठीक हो जाएगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ शगुन, यार नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो खुद जल्दी आना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बस एक घंटे बाद है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं शेयरिंग टैक्सी से आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। मुंबई। भैया शेयरिंग टैक्सी? हाँ, 2000 रुपए एक सवारी। राजी, हम भी टैक्सी से चलते हैं ना, देखो जल्दी पहुँच जाएंगे और किराया भी कम है। ए मुंबई मुंबई मुंबई। रमा शेयरिंग टैक्सी सेफ नहीं होती है। राजी आप लोग भी बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ, पर क्यों? नहीं जी, मेरा मतलब था कि अगर हम लोग साथ में चलेंगे तो ये जल्दी चले जाएंगे। अरे सेठ, आप तो बैठो पहले। चलिए अभी आप दरवाजा खुले, मैं मुंबई 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 मुंबई। राजीव चलो ना, चलते हैं। देखो अगर हमने देर की ना तो ये टैक्सी भी हाथ से निकल जाएगी, तो प्लीज चलो। मुंबई 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 मुंबई। अरे भैया कितनी देर में चलोगे? बस सवारी पूरी हो जाए सेठ, चलते हैं फिर। ए मुंबई 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 मुंबई। राजीव तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, चलो चलो सामान रखो डिक्की में। ए मुंबई मुंबई मुंबई।
भाई साहब आप पीछे बैठ जाएंगे, मुझे बैक पेन है। हाँ बैठिए ना। थैंक यू। अक्सर लोग शेयरिंग टैक्सी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, पैसे भी बचते हैं और बस के मुकाबले समय भी कम लगता है। लेकिन कई बार ये दो फायदे आपके लिए बहुत बड़े नुकसान में भी बदल सकते हैं। आपके पैसों के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो क्या यही खतरा इस शेयरिंग टैक्सी में बैठे लोगों पर भी मंडरा रहा था? अच्छा मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ और रात तक घर पहुंच जाऊंगा। हाँ बाबा तुमने जो कुछ भी कहा था मैंने सब कुछ ले लिया। अच्छा अब फोन रखो। चलो बाय बाय। आपकी वाइफ? हाँ जी हाँ मेरी वाइफ। आप मुंबई में कहाँ रहते हैं? जी मैं बोरीवली वेस्ट। और आप? थाने। आप लोग यहाँ घूमने आए थे? नहीं हम घूमने नहीं आए थे, मेरा इंटरव्यू था इसीलिए हम लोग यहाँ आए। ओ जी आपका इंटरव्यू था। आप भी किसी काम से आए? नहीं इन हाईवेज पर घूमते घूमते लगता है कि मेरा काम अब घूमना हो गया है। वैसे करते क्या है आप? काहे काहे झाला काहे स्टीयरिंग सा? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं सेठ, स्टीयरिंग थोड़ा आवाज कर रहा है। मैं आगे 15 मिनट रुकूंगा, वहाँ मेरे एक दोस्त का गैराज है वहीं ठीक कराऊंगा इसे। जब तुझे पता था कि गाड़ी खराब है तो हम लोगों को बैठाया क्यों? अरे ठीक है भाई साहब 15 मिनट की तो बात है, देखिए रास्ते में हमें ही परेशानी होगी। अब भैया आप ठीक करा लीजिए। ये ड्राइवर भी ने कितनी देर लगा रहा है ये? आप भी ना बेकार में अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, आ जाएगा वो। ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो यार, सब ड्राइवर ऐसे ही होते हैं। ये तो बेकार में ही हर किसी पे ऐसे ही शक करते हैं, इन्हें तो पुलिस में होना चाहिए था। क्या हुआ गाड़ी ठीक नहीं करवानी है? ये मैकेनिक खाली बड़ी गाड़ियों का स्टीयरिंग ठीक करता है। तू तो कह रहा था कि वो तेरा दोस्त है। अरे सेठ मेरा दोस्त बाहर गया हुआ है, ये दूसरा मैकेनिक था, अब सीधे मुंबई में ठीक कराएंगे। भाव सामने गए रेस्टोरेंट देख के रुकना, मुझे पानी लेना है। ओ, थाम तो है, थाम तो है। अरे आपको प्यास लगी है तो ये लीजिए ना। नहीं रमा, 1000 बार मैंने तुम्हें समझाया है, इस तरह से सफर में किसी से कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। सॉरी। भाई साहब आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली क्या है कि इस तरह से सफर में लोग खाने पीने में कुछ दे देते हैं, फिर आदमी बेहोश हो जाता है, उसके बाद फिर लोग सामान लूट लेते हैं। नहीं भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने भी एक ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी। चलिए छोड़िए। अच्छा मैं आपको वैसे अपना परिचय दे दूँ ताकि हम लोग टैक्सी में अजनबी ना रहे। मेरा नाम है मोहित और मैं बोरीवली का रहने वाला हूँ। आप लोग? मेरा नाम राजीव है, ये मेरी पत्नी रमा है। इतना काफ़ी नहीं है? 5 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा शक्की आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बकबक बंद कर भाऊ, आगे रेस्टोरेंट है वहीं पे गाड़ी लगा। राजीव चिप्स दे दीजिए और कोल्ड ड्रिंक 2 बॉटल और 1 बॉटल पानी।
भाई साहब थोड़ा थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। बैठो बैठो मोहित, तुम उससे क्या बात कर रहे थे? मैं नहीं है, ऐसे नॉर्मल कुछ बात कर रहा था। हाँ लेकिन ऐसे क्या? एक्चुअली मैं उससे पूछ रहा था कि हम लोग उस साइड जा रहे तो मुझे मेरे घर बोरीवली ड्रॉप कर दे। पर देखिए ओके चलो कोई बात नहीं, चलो बैठो बैठो। आप चिप्स लेंगे? सफर में ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करते। प्लीज आप मेरे हस्बैंड की टांग खिंचाई कर रहे हैं ना। आई एम सॉरी, मैं तो बस वैसे ही। भाई साहब आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। भैया मजाक करने से सेहत बनी रहती है। ओह वेरी गुड, तो ये लीजिए ठंडा पीजिए। नो नो इट्स फाइन। अरे भाई ये मैंने आपके लिए खरीदी। अब ले लीजिए ना प्लीज। ठीक है अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो थैंक यू। यू वेलकम। चिप्स मुझे भी दो। थैंक यू। लीजिए। वैसे ही बॉम्बे आने में बहुत देर है, मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो तूने कोल्ड ड्रिंक पी थी ना उसमें हमने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। तो ये लीजिए ठंडा पीजिए। अरे नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। भाई ये मैंने आपके लिए खरीदी है। प्लीज ले लीजिए ना। अब ठीक है अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो थैंक यू। यू वेलकम। ए भाऊ इसके बैग में तो कुछ नहीं है, खाली चकला ही चे। क्या? हाँ ये देखो काजू किशमिश बादाम बस। पर्स में भी सिर्फ 3,000 रुपया है। अरे कड़के खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बोलता था ना तू। एटीएम है पर्स में इसका? हाँ है ना देख। चल पिन नंबर बोल। पिन नंबर बोल बोल। छोड़ दो मुझे प्लीज। ज्यादा शान पट्टी कीन है? ज्यादा शान पट्टी करेगा? बोला ना बता पिन नंबर। ज्यादा शान पट्टी नहीं बोल। 7 7 7 6 7 7 7 8 मोरे पकड़ इसको। रामा जल्दी से तोड़ दे। नहीं क्या कर रहा है? रामा तोड़ दे जल्दी। लगा मुझे लगा लगा रामा ध्यान से लगा। अपनी जरा सी असावधानी की वजह से मोहित रमा और राजीव जैसे अपराधियों के झांसे में आ गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि सभ्य और पढ़े लिखे दिखने वाले ये लोग दरअसल ड्राइवर मोरे के साथ मिलकर उसे ही लूटने की योजना बना रहे थे और अब उसकी जान भी खतरे में थी। जब से एटीएम आया है ना लोगों ने जेब में पैसा ही चरकना छोड़ दिया है। पहले एटीएम कार्ड लूटो फिर एटीएम तक जाने के लिए फालतू में पेट्रोल फूको। मोरे बकबक बंद कर, सामने पेट्रोल पंप आ रहा है ना, चल के गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। ओ, भरतो है में। टंकी फुल कर दे। ठीक है। हो गया?
4,500। मेरे 1,000 के नोट कहाँ गए? अरे वो कैंटीन वाले को ठंडा और चिप्स के लिए पैसे दिए थे ना, और मोरे ने भी टोल पे पैसे दिए। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, देते हैं, तुम बिल बनाओ। मोरे, टंकी फुल करवाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता हमसे। अरे मुझ पे काहे को बिगड़ रहे हो, ये सब इस काजू किशमिस का फॉल्ट है। अब तो इस काजू किशमिस के एटीएम से भरवाने पड़ेंगे। हाँ, उसी से भरवा देते हैं। ये ले। अरे यार, ये कार्ड में तो पैसा नहीं है, दूसरा लेकर आओ। खाते में तो पैसे नहीं है। अरे हाँ, वो कल मैंने शॉपिंग कर लिया था। एक काम करो, गाड़ी यही छोड़ जाओ, जब पैसा हो तो गाड़ी ले जाना, ठीक है? अबे 4,000 के पेट्रोल के लिए तो 4,00,000 की कार रखेगा? ये पकड़, ये मोबाइल रख, और तेरे पैसे देके हमें छुड़ा ले जाएंगे। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरे एटीएम में पैसे नहीं है? चल अपनी डार्लिंग को फोन लगा और बोल कि तेरे अकाउंट में अभी के अभी 2,00,000 रुपए डाले। ले बोल। मेरे पास ज्यादा सहन पट्टी करने का नहीं, मेरे को सब पता है तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, सब पता है। लुखे, लाखों का माता कहता है पैसे नहीं है। चल फोन लगा। कहा ना फोन लगा। लगा नहीं तो फोन कर, ज्यादा सहन पट्टी की ना तो तेरी डार्लिंग अभी के अभी विधवा हो जाएगी। फोन। हे मोहित, कहाँ तक पहुँचे? शगुन मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से हमारे बैंक जाओ और उसमें से हमारी एफडी तुड़वाओ और 2,00,000 रुपए जल्दी मेरे बैंक में जमा कराओ। 2,00,000? बीच रास्ते पर ऐसी क्या जरूरत आ गई? शगुन टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से बैंक जाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कैसी प्रॉब्लम मोहित? शगुन एक बिजनेस डील अटकी पड़ी है, जल्दी से बैंक जाओ। हाँ लेकिन शगुन, सवाल जवाब करना बंद करो, जल्दी से बैंक जाओ। ठीक है। मोरे, गाड़ी हाईवे पे ले ले, और जब तक इसकी डार्लिंग पैसा भेजेगी तब तक हम लोग कोई एटीएम ढूंढ। ठीक है, चलो वहां बैठो। भैया मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप यहीं रुकिए। काय कटकट है, 1 घंटे से ऊपर होने जा रहा है, इसकी बाइकों ने अभी तक बैंक में पैसा जमा क्यों नहीं किया? अकाउंट में पैसे जमा हो गए। क्या? ये देख। किडनैपर्स नहीं जानते थे कि जिस अकाउंट में उन्होंने 2,00,000 रुपए जमा करवाए थे वो दरअसल मोहित और उसकी पत्नी शगुन का जॉइंट अकाउंट है, और एटीएम से उनके द्वारा पैसे निकालने की जानकारी एसएमएस के जरिए शगुन के फोन पर भी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या शगुन महज इस एसएमएस से अंदाजा लगा पाएगी कि उसका पति मोहित किसी बड़ी मुसीबत में था? इसके डार्लिंग का फोन आ रहा है। काट दे और मैसेज छोड़ दे कि अभी बिजी हूँ, बाद में तेरे को कॉल करूंगा। इतना भी क्या बिजी कि एक फोन नहीं कर सकते? फुर्सत मिल जाए तो कॉल कर लेना। पैसे डिपॉजिट करते हैं। तुम लोग इसके ऊपर नजर रखना। मैं एटीएम से पैसे निकाल के आता हूँ, देख के जाना।
दिन में केवल 50,000 रुपए निकालने की लिमिट है एटीएम से। क्या मतलब पूरे 2 लाख निकालने के लिए हमें और 3 दिन लग जाएंगे? हाँ, इस काजू किशमिश की तो। उधर रमा, राजीव और मोरे सिर्फ 50,000 रुपयों से संतुष्ट होने वाले नहीं थे, लेकिन मोहित और शगुन के जॉइंट अकाउंट में बचे हुए बाकी के 1.5 लाख रुपयों को निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाने वाले थे ये भी, और मोहित जो कि अब तक इनकी गिरफ्त में था उसके लिए क्या हश्र सोचा था इन्होंने। अब इसका क्या करें, अब इसको 3 दिन अपने साथ में लेकर के घूमना पड़ेगा। रमा हाँ, अगर ये कल सुबह तक अपने घर नहीं पहुंचा तो इसकी बीबी पुलिस स्टेशन में जा सकती है। ऐसा करते हैं, हर 6-7 घंटे में इसकी डार्लिंग से इसकी बात कराते रहेंगे, उसे कोई शक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस काजू किशमिश को ले जाके कहीं छुपा देते हैं। नहीं, हम इसे गाड़ी में ही रखते हैं। मोरे, थोड़ी थोड़ी देर पे हम लोग अपना रास्ता बदलते रहेंगे, 3 दिन बाद अपना पूरे पैसे निकाल मार डालते हैं इसको। पैसे मत गिन रमा, एटीएम से निकाले हैं तो 50,000 होंगे। 1 लाख और बाकी है, बस 2 दिन और, उसके बाद इसका जो किसमिस का काम तमाम। अरे बहुत देर से इसका फोन ऑफ है, ऑन करा के इसकी डार्लिंग से बात करा देती हूँ। करा दे। अरे ये देख, इसकी तो कचकच का फोन आ रहा है। कट कर उसे। पागल है क्या? उठा के ड्राई फ्रूट से बात करा देती हूँ। मोरे, आगे कहीं सुनसान देखे गाड़ी रोक। रोक तो मैं। ए काजू किशमिश, चलो उठ। उठ। अबे उठ। बारात में आए लायका। ये ले। अपनी डार्लिंग से बात, अपनी डार्लिंग से बात कर। बोल कि तू ठीक है और 2 दिन में घर पहुंच जाएगा। शगु। हेलो मोहित,
मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? सॉरी शकुन, मैं थोड़ा सा बिजी था। इतना क्या बिजी कि दो मिनट बात नहीं कर सकते? मुझे माफ कर देना शकुन, मैं थोड़े दिन से तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाया। मोहित, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है? थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए आवाज भारी हो रही है, और दो दिन से ठीक से सोया भी नहीं हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करना शकुन। अच्छा शकुन, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा, तुम घर कब आओगे? शकुन, मैं दो दिन में घर आ जाऊंगा। हेलो, ज्यादा शाना बनता है, अभी चाकू अंदर चली जाएगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ कर दिया। The number you have dialed is currently switched off. आइला, दो लोगों को खाना खाने में कितना टाइम लगता है? जो पीते यार, मुंह धोना पड़ेगा। वो देख, हेड़ा उसको अकेला छोड़ के चला गया। अरे तू टेंशन मत लेना, मैंने उसे जम के डोज दिया है, समझा? हेलो शकुन। हाँ मोहित, हेलो शकुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। शकुन जिस टैक्सी में था, उन लोगों ने मेरे ड्रिंक पे कुछ मिला दिया। हेलो, और मुझे कुछ पता नहीं, मैं कहाँ हूँ, मैं बेहोश हो गया शकुन। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो शकुन, आवाज नहीं आ रही मोहित। हेलो शकुन, ए वेटर, चल।
मेरा अपहरण हो गया है। दोबारा इस नंबर पर फोन मत करना। जल्दी पुलिस के पास जाओ मोहित। सर, 2 दिन पहले मोहित ने मुझसे अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करवाए थे और 2 दिन से रोज 50,000 विड्रॉ हो रहे हैं और उसके मैसेजेस आ रहे हैं। आपने अपने जॉइंट अकाउंट का एटीएम कार्ड ब्लॉक तो नहीं करवाया ना? नहीं। गुड, करवाइएगा भी नहीं तो उनको शक हो सकता है कि आपको अपने पति की किडनैपिंग का पता चल गया है और उनके अगले विड्रॉल पर हमें उस एटीएम की लोकेशन का पता चल सकता है। सर, 12 बजने में अब भी काफी टाइम बचा है, तब तक अगर उन्होंने मोहित के साथ कुछ। आप मुझे सिर्फ एटीएम के विड्रॉल के मैसेज दिखाइए। जी, मेरे फोन में है। दिखाइए। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। लीजिए संदीप। ढाई 200 किलोमीटर दूर है चिपलून का एटीएम, जहां से कल रात किडनैपर ने पैसा निकाला था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इधर स्विच ऑफ। फोन लगा क्या? स्विच ऑफ आ रहा। सर, जिस नंबर से मैसेज आया था स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए वो ट्रेस कर पाना मुश्किल है। सर, कहीं उन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मोहित ने मुझे मैसेज किया था? हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो मोहित की जान खतरे में है। बेड़ा बना के चले गए, 3 रोज हो गए पैसा देने नहीं आए। सेठ रोज बोलता है पैसा नहीं मिला तो मेरी पगार में से काट लेगा। तो फिर दे देना सेठ को अपना पैसा और मोबाइल वापस ले। मोबाइल भी अच्छा है। एक काम कर, तेरा सिम डाल अंदर। सही बोला तू। सर, मेरे पति का फोन ऑन हुआ है लेकिन उसमें सिम दूसरा है। आपको कैसे पता चला? सर, एक्चुअली मेरे पति ने उनके फोन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, उसकी वजह से ये मैसेज आया। दिखाइए। संदीप, गोवा पुलिस को इन्फॉर्म कर दो किस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करें और मुझे उनकी हर एक हरकत की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मोहित ने अपने फोन में एक सिम नोटिफिकेशन एप्लीकेशन लोड की हुई थी। फोन चोरी हो जाने की सूरत में ये सुविधा बेहद काम आती है। दरअसल इस सुविधा के तहत अगर कोई भी आपके मोबाइल का सिम बदलता है तो उस सिम का नंबर और उसकी लोकेशन SMS के जरिए उस एप्लीकेशन में फीड किए गए दूसरे मोबाइल नंबर पर पहुंच जाती है। और चूंकि मोहित ने इस एप्लीकेशन में अपनी पत्नी शगुन का नंबर फीड किया हुआ था, इसलिए जैसे ही उस पेट्रोल पंप वाले लड़के ने मोहित के मोबाइल में अपना सिम कार्ड डाला, उसके नंबर की जानकारी SMS के जरिए शगुन के फोन पर आ गई और इसी जानकारी की मदद से पुलिस उस पेट्रोल पंप तक पहुंच सकी जहां किडनैपर्स ने उस लड़के को पैसों के बदले मोहित का मोबाइल फोन दिया था। वो मोबाइल तेरे पास है? हाँ सर, ये रहा। उस गाड़ी में ये आदमी भी था? हाँ साहब, एकदम PLM मापिक पीछे की सेट पे लेटा पड़ा था। उसका टैक्सी नंबर याद है? हाँ साहब, मैंने नोट किया था। वो लोग ये फोन देकर मेरा पैसा दिए बगैर ही चले गए, तो नोट का नहीं करता साहब। शरद मराठे हेयर। मुंबई गोवा हाईवे पर जितने भी चेक नाके चेक पोस्ट है सब पर गाड़ी का नंबर भेज दो। हाँ, और उनको सबको इंस्ट्रक्शंस भेज दो कि अच्छे तरीके से गाड़ियां चेक करें। शगुन और पुलिस की पुरजोर कोशिशों के बावजूद मोहित का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया था। ऐसे में पुलिस को इन अपराधियों को पकड़ने का एक ही तरीका नजर आ रहा था और वो था किसी भी तरह उस लोकेशन का अनुमान लगाना जहां से ये अपराधी 50,000 रुपए की अगली किस्त निकालने वाले थे। लेकिन इसमें भी इन तीनों अपराधियों के बच निकलने की पूरी उम्मीद बरकरार थी। तो क्या ये अपराधी कभी पकड़े भी जाएंगे या नहीं,
क्या पुलिस की मदद से शगुन अपने पति तक पहुंच पाएगी और क्या शगुन को उसका पति जीवित वापस मिल पाएगा? देखिए आप घबराइए नहीं, किडनैपर्स को पकड़ने में उनका आखिरी विड्रॉल काम आएगा। वो जहां से भी पैसे विड्रॉल करेंगे हम उन्हें तुरंत ट्रेस कर लेंगे। एटीएम आ गया, जाओ ध्यान से। आती हूँ। स्टेशन के पास वाली एटीएम से विड्रॉल हुआ। पेन रेलवे स्टेशन, क्विक! पेन रेलवे स्टेशन के पास एटीएम से पैसा विड्रॉल किया गया है। उनकी गाड़ी का नंबर है MH027982। पेन के सभी चौकियों को अलर्ट कर दो कि ये गाड़ी एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। चलो। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक सफेद रंग की गाड़ी आई, तुमने देखा उसको? हाँ सर। किस तरफ? वो लेफ्ट में गई सब। लेफ्ट में कहाँ पर? ये लेफ्ट में। पक्का पता है? ठीक है, चलो गाड़ी निकालो। मुरे जल्दी कर। काहे कटकट आए, किसी को मारने में 2 मिनट लगते हैं और दफनाने में 4 घंटे। बकवास बंद करेगा और जल्दी कर। कर तो रहा। रमा जल्दी कर। हेलो कंट्रोल रूम, सीडीडी बैंक की तरफ से 2 रास्ते जाते हैं। मैं नॉर्थ की तरफ से ट्रेस कर रहा हूँ, आप लोग साउथ की तरफ से तुरंत एक पेट्रोल व्हीकल भेजो। गाड़ी का नंबर है MH027982। जिंदा तफराने चले थे, घबराई नहीं, सांस चल रही है, जिंदा है। साहब, साहब सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। आप छोड़ दो। छोड़ा मला, छोड़ा साहब, साहब छोड़ा मला, मला छोड़ा साहब, छोड़ मुझे। मोहित, मोहित आंखें खोलो, मोहित, मोहित। तीनों छात्र किडनैपर्स के पकड़े जाने से पुलिस को मुंबई गोवा हाईवे पर पिछले 2 सालों में हुई लूटपाट की कई वारदातों के सुराग मिले। सेशंस कोर्ट में तीनों अपराधियों यानी रमा, राजीव और ड्राइवर मोरे पर लूटपाट के लिए आईपीसी की दफा 392 और मोहित की हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की दफा 307 के तहत मुकदमा चला। 8 महीनों तक चली कार्यवाही के बाद तीनों को दोषी पाया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बता कब से चल रहा तुम्हारा लूटपाट और किडनैपिंग का धंधा? बता। सर 2 साल से हम लोगों को हाईवे पे लूट रहे हैं। और सर हम पैसेंजर को अपनी टैक्सी में बिठाते थे और बातों बातों में उनका भरोसा जीतते थे। फिर सर हम उनके कोल्ड ड्रिंक या खाने में बेहोशी की दवाई मिला देते थे, फिर लोगों को लूट लेते थे। सर हम इतने सालों से लोगों को लूट रहे थे,
लेकिन कभी पुलिस ने हमें नहीं पकड़ा। कौन कौन है तुम्हारे गैंग में, किसके साथ किया, कहां कहां किया, कैसे कैसे किया, बता, 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 बता। और ये आपका कैश। थैंक यू। आजकल के स्मार्टफोन्स आपकी सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का जरिया भी बनते जा रहे हैं। इसका फायदा उठाएं और अपने परिचितों और संबंधियों को भी सुरक्षा की इन एप्लीकेशन से अवगत जरूर कराएं। और जब भी आपको ऐसे किसी हाईवे पर सफर करना पड़े तो सावधानी बरतें। और अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध हालात पर नजर पड़े तो किसी दूसरे का या अपना नुकसान होने का इंतजार न करें और पास के पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।